खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने कैरियर में कई बार बॉक्स ऑफिस पे क्लैश का सामना किया है। देखा जाए तो ज्यादातर टाइम उन्होंने क्लैश पे जीता है। दोस्तों, आगे का पावरफुल टक्कर वाला फिल्मों के बारे में जानने के लिए चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। रुस्तम वर्सेस मोहनजोदड़ो इन 2016। बात करो रुस्तम को लेकर क्राइम थ्रिलर फिल्म, जहां पर 1959 का रुस्तम पवरी का मर्डर केस से जुड़ाकर स्टोरी को दिखाई है। और इस फिल्म के लिए आक्की ने जीता है नेशनल फिल्म अवार्ड। बजट था 50 करोड़। ये फिल्म दिया है 215 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ क्लैश पे आई मोहनजोदड़ो, ग्रीक गॉड ऋतिक का प्योर एक्शन फिल्म, पर ये रहा डिजास्टर। यानि कि क्लैश नंबर वन पर खिलाड़ी आक्की ने विनर है। नंबर टू, सुहाग वर्सेस अंदाज अपना अपना इन 1994। जहाँ पर बात करो सुहाग को लेकर, ये रहा एक्शन फिल्म। बजट था 3 करोड़। ये फिल्म दिया है 12 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा ब्लॉकबस्टर। क्लैश पाया था अंदाज अपना अपना कॉमेडी फिल्म, इसको मिला है कल्ट स्टेटस। बजट था 2 करोड़। ये फिल्म दिया है 8 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा हिट। यानी कि क्लैश रंग 2 पर और एक बार आकी विनर है। नंबर 3, तिस्मार खान वर्सेस तुनपुर का सुपर हीरो इन 2010। बात करो तिस्मार खान को लेकर, इसमें खिलाड़ी आकी के साथ कैटरीना लीड रोल में थी। बजट था 45 करोड़। ये फिल्म दिया है 100 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपर हिट। दूसरी तरफ क्लैश पर रिलीज हुआ तुनपुर का सुपर हीरो 2010 का रहा लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म, पर ये रहा फ्लॉप। यानी कि क्लैश रंग 3 पे विनर है आकी। नंबर 4, वक्त हमारा है वर्सेस माया मेमसाब इन 1993। वक्त हमारा है रोमांटिक एक्शन फिल्म था जो रहा एवरेज। दूसरी तरफ क्लैश पे आई माया मेमसाब था, ये रहा फ्लॉप। यानी कि क्लैश रंग 4 पे जीता है और एक बार खिलाड़ी आकी ने। नंबर 5, OMG 2 वर्सेज गदर 2 इन 2023। जहाँ पर दोनों ही सिक्वल फिल्म है। बात करो OMG 2 को लेकर, सैट्रिकल कॉमेडी फिल्म है और इसमें एडुकेशन सिस्टम से जुड़ा स्टोरी को दिखाया जाएगा, जहाँ पर खिलाड़ी आक्की ने लॉर्ड शिवा का रोल प्ले कर रही है। दूसरी तरफ इस फिल्म के साथ क्लैश पे आ रही है गदर 2, सानी देओल का प्योर एक्शन ड्रामा फिल्म, और इसमें सानी को और एक बार तारा सिंह के रोल में नजर आएंगे। और दोनों फिल्म रिलीज होगा 11 अगस्त। तो आपको क्या लगता है गदर 2 वर्सेज OMG 2 पे कौन सी फिल्म करेगा बाजीमात? नंबर 6, धड़कन वर्सेस दीवाने इन 2000। बात करें धड़कन को लेकर, रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म था। इसमें मैरिड लाइफ से जुड़कर स्टोरी को दिखाई है, जिसका बजट था 6 करोड़। ये फिल्म दिया है 26 करोड़ की मैसिव कलेक्शन और ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ इस फिल्म के साथ क्लैश पाई दीवाने, जहाँ पर अजय को डबल रोल में नजर आई है, ये रहा सेमी हिट। क्लैश नंबर 6 पर विनर रहा खिलाड़ी आक्षेप। नंबर 7, स्पेशल 26 वर्सेस ABCD इन 2013। बात करूँ स्पेशल 26 को लेकर, ये था एक हिस्ट थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर इसकी स्टोरी मुंबई का ओपेरा हाउस हिस्ट पर बेस्ड है। बजट था 40 करोड़। ये फिल्म दिया है 103 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ इस फिल्म के साथ आई ABCD, जहाँ पर प्रभु देवा लीड रोल में था। बजट था 20। ये फिल्म दिया है 60 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। यानी कि क्लैश रंग 7 पर विनर रहा आखिर। नंबर 8, सबसे बड़ा खिलाड़ी वर्सेस गद्दार इन 1995। जहाँ पर सबसे बड़ा खिलाड़ी का एक्शन थ्रिलर फिल्म था। बजट था 4 करोड़। ये फिल्म दिया है 15 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ इस फिल्म के साथ क्लैश पे आई गद्दार, एक एक्शन ड्रामा फिल्म, पर ये रहा एवरेज। यानी कि क्लैश रंग 8 पर विनर रहा आखिर। नंबर 9, वेलकम वर्सेस तारे जमीन पर इन 2007। जहाँ पर वेलकम एक कॉमेडी फिल्म है, इसमें शादी से जुड़कर फैमिली कॉमेडी ट्विस्ट को दिखाई है, जिसका बजट था 40 करोड़। ये फिल्म दिया है 120 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा सुपरहिट। इस फिल्म के साथ क्लैश पे आई तारे जमीन पर, एक फैमिली ड्रामा फिल्म, जहाँ पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने आर्ट टीचर का रोल प्ले किया है। बजट था 12 करोड़। ये फिल्म दिया है 120 करोड़ की कलेक्शन और ये रहा ब्लॉकबस्टर। यानी कि क्लैश नंबर 9 पर विनर रहा आमिर खान। नंबर 10, खाकी वर्सेस 8 पर इन 2004। खाकी की बात करूँ, ये रहा एक्शन थ्रिलर फिल्म। बजट था 20 करोड़। दिया है 50 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। दूसरी तरफ आई 8 बार साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, ये रहा फ्लॉप। यानी कि क्लैश नंबर 10 पर विनर रहा आकी। नंबर 11, एयरलिफ्ट वर्सेस
क्या कूल है हम 3। बात करूँ एयरलिफ्ट को लेकर, एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म जहाँ पर कुवैत बेस्ड मलयाली माथुन्नी का स्टोरी को दिखी है। बजट था 30 करोड़, ये फिल्म दिया है 230 करोड़ का मैसिव कलेक्शन, ये रहा ब्लॉकबस्टर। और इस फिल्म के साथ क्लैश पाई क्या कूल है हम 3, जो कॉमेडी फिल्म है, ये रहा एवरेज, यानी कि क्लैश नंग 11 पे विनर रहा किलर एक्शन। नंबर 12 ये दिल लगी वर्सेस पहला पहला प्यार इन 1994। बात करूँ ये दिल लगी को लेकर, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, बजट था 2 करोड़, ये फिल्म दिया है 10 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ फिल्म आई पहला पहला प्यार, जो रोमांटिक फिल्म था और ये रहा हिट, यानी कि क्लैश नंग 12 पे विनर रहा खिलाड़ी। नंबर 13 बेबी वर्सेस डॉली की डोली इन 2015। बात करूँ बेबी को लेकर, एक्शन थ्रिलर फिल्म, बजट था 50 करोड़, ये फिल्म दिया है 140 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ फिल्म आई क्लैश पे डॉली की डोली थी, ये रहा एवरेज, यानी कि क्लैश नंग 13 पे विनर रहा अक्षय। नंबर 14 फिर हेरा फेरी वर्सेज चुप चुप के इन 2006। फिर हेरा फेरी 2006 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप कॉमेडी फिल्म, बजट था 20 करोड़, ये फिल्म दिया है 70 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा ब्लॉकबस्टर। दूसरी तरफ फिल्म आई शाहिद कपूर का चुप चुप के, जो रहा एवरेज, यानी कि क्लैश नंग 14 पे विनर रहा किलर एक्शन। नंबर 15 भूल भुलैया वर्सेज लगा चुनरी में दाग इन 2007। बात करूँ भूल भुलैया को लेकर, एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, बजट था 32 करोड़, कलेक्शन दिया है 85 करोड़ का, ये रहा हिट। दूसरी तरफ क्लैश पे आई लगा चुनरी में दाग, जो एक फ्लॉप फिल्म था, यानी कि क्लैश नंग 15 पे भी विनर रहा आगे। नंबर 17 गरम मसाला वर्सेज शादी नंग 1 वर्सेज क्यू की इन 2005। बात करूँ गरम मसाला को लेकर, बजट था 15 करोड़, ये फिल्म दिया है 52 करोड़ की कलेक्शन, ये रहा हिट। क्लैश पे आई शादी नंग 1 हाई एवरेज। तीसरी तरफ फिल्म आई क्यू की, पर ये रहा फ्लॉप, क्लैश नंग 17 पे विनर रहा किलर एक्शन। नंबर 18 खिलाड़ी वर्सेज पुलिस ऑफिसर 1992। बात करूँ खिलाड़ी को लेकर, रहा सुपरहिट। दूसरी तरफ फिल्म आई पुलिस ऑफिसर, पर ये रहा फ्लॉप, यान की क्लैश नंग 18 पे भी विनर रहा किलर एक्शन ने। दोस्तों ये रहा किलर अक्षय कुमार के कैरियर में सारे क्लैश फिल्मों के बारे में। इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो किलर एक्की ने मोस्ट ऑफ द टाइम विनर रहा बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सके बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मार्शियन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।